हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। आप लोगों का हमारे मौर्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, जानकारी देने वाले हैं। यदि हमारे किसान भाई कोई भी फसल लगाए हैं, उसमें आपके कई प्रकार के घास हो जाती हैं, कई प्रकार के मोथे भी हो जाते हैं। अभी हम आपको चलिए दिखाऊँगा कि उसमें मोथा घास जो हम बोलते हैं, और हमारे यहाँ पर उसे और भी नामों से जाना जाता है, उसे लोग भादा भी कहते हैं, और कई प्रकार के घास लगी हुई हैं। अभी आपको हम चलिए दिखाएंगे इस वीडियो में, आप लोग देख भी सकते हैं। यदि आपकी खेतों में ये जो घास होती है, मोथा होता है, इसको अगर जड़ से ख़त्म करना है, तो आपको संपूर्ण जानकारी मैं दूँगा, और आप उसी तरीके से अपने जो मोथा घास है उसमें आपको कैसे दवा डालनी है, कौन सी दवा डालनी है, किस प्रकार डालनी है, मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा। और चलिए मैं आपको जो घास है, मोथा घास है, उसको मैं दिखाऊंगा। ये आप चलिए देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, इस खेतों में बहुत सारा मतलब मोथा जो घास है, जो ये खरपतवार है, ये बहुत हमारी खेती के लिए बहुत हानिकारक होता है। इसको हम बार बार निकालते रहते हैं खेतों से, फिर भी इसकी पैदावार इतनी बढ़ जाती है कि हम निकालते रहते हैं। इधर से आप निराते आए और आज हमने इसको निकाला, और कल से इसका जो है ग्रोथ होना चालू हो जाता है, ये जल्दी नष्ट नहीं होता है। तो आप लोग इसमें कौन सी चीज़ों का उपयोग करें ताकि ये हमारे नष्ट हो जाएं, चलिए मैं आपको और भी दिखाऊँगा। और भी इसमें बहुत सारी मतलब खरपतवार हैं, वो भी दिखाऊँगा। ये चलिए आप लोग देख सकते हैं, इसमें और सी बहुत सी घास लगी हुई हैं। ये हमारे इधर इसे झूसा के नाम से भी जाना जाता है, ये झूसा नाम से, लेकिन इसका नाम है फूल नहीं घास है, ये फूल के टाइम में है। और ये घास मोथा से ज़्यादा हार्ड नहीं होती है, क्योंकि इसको अगर हम एक बार निकाल लेंगे तो ये दोबारा नहीं होता है, लेकिन जो मोथा घास है ये बहुत ख़तरनाक होती है मेरे भाई साहब। ये हमारे किसान भाई ये घास से बहुत परेशान रहा करते हैं, तो मैं आपको संपूर्ण जानकारी ये दूंगा कि आप इसमें कौन सी दवा का प्रयोग करें और किस विधि से डालें ताकि हमारी ये जो मोथा घास है भादा वाली, ये नष्ट हो जाए। चलिए मैं अभी दिखाऊँगा, ये मेरा प्लाट है, ये लगभग 1.5 या 2 के बीच में है, और इसमें दवा भी पड़ी नहीं हुई है। अभी थोड़ी ये और मोथा घास बढ़ जाए, थोड़ी और इसकी विकास हो जाए, उसके बाद हमें दवा डालना है, ताकि हमारे जो दवा पड़ेगी वो जो सारा विकास कर जाएगा, उसके बाद हम दवा डालेंगे और इसमें काम भी करेगा। मैं आपको चलिए बता रहा हूँ कि आपको दवा किस विधि से डालनी है। आपको यदि 2 बीघे में डालनी है तो आपको 4 टंकी में आपको डालना होगा। यदि आपके पास 1 बीघा है तो आप उसे 2 टंकी में स्प्रे कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो फसल थी ये क्यों हो जाता है, ये इसलिए हो जाता है, हमने इसमें कद्दू और लौकी लगा रखी थी, क्योंकि गर्मियों के सीज़न में इसमें कद्दू और लौकी लगा रखे थे, और बार बार इसमें नमी देते गए, और ये हमारा इसमें कोई घास वास निकाली नहीं गई, कोई इसमें मोथा निकाला नहीं गया, और ये वृद्धि करता गया, और इसका वृद्धि मैंने आपको बताया था किस तरह होता है, आज हम निकालते हैं कल इसकी वृद्धि चालू हो जाती है, इसलिए इसको नहीं नष्ट कर पाए हैं, लेकिन मेरी फसल ख़त्म हो गई है और मैंने इसको परती छोड़ दिया, मतलब प्लेहर इसे हम अपनी इधर कहते हैं, खाली खेत छोड़ दिया ताकि हमारे इसमें यह घास अच्छी से उपज कर जाए और इसमें हम दवा डालें और हमारी जो मोथा घास है वो नष्ट हो जाए। इसके लिए हम आपको वो दवा बताएंगे, उस दवा का नाम है ग्लाइफोसेट। इसका डिमांड बहुत ज़्यादा ही हमारे किसान भाई दे रखे हैं, और इसका डिमांड है भी। और एक आपको और मैं बताऊंगा कि ये जो है एक आती है राउंडर, ये राउंडर भी आती है, ये घुलनशील होते हैं दोनों, और ये दोनों इतने पावरफुल होते हैं
कि लोगों का कहना ये होता है कि इसमें सिर्फ मोथा ही घास जाती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है किसान भाइयों। इसमें अनेकों प्रकार की घास नष्ट हो जाती हैं, और मैं आपको भी दिखाया ही था कि हमारे खेतों में दो प्रकार की घास लगी हुई हैं। इसमें लगभग 8 प्रकार की घासें चली जाती हैं, जो इधर राणा कुश ये वगैरह होता है, हार्ड से हार्ड जो घासें होती हैं वो भी नष्ट हो जाती हैं इससे। यह प्रक्रिया हमने बहुत पहले से ही कर रखी है और भी करता हूँ, लेकिन खेती करने का काम क्या होता है, जब हम बार बार उसी में एक ही खेत में खेती करते रहते हैं तो इसमें हमारे बराबर नमी रहती है, तापमान आ नहीं सकता है खेतों में हमारे, इसलिए इसमें ये उपज ज़्यादा हो जाती है और ये मोथा घास हमेशा खेतों में बरकरार रहती हैं। इसके लिए हमको छोड़ना होगा राउंडर और ग्लाइफोसेट का जो घुलनशील आता है हमारा, ये एक बीघे से ऊपर है, इसमें हम 3 टंकी का घोल करके और स्प्रे करेंगे। और मैं आपको दिखाऊंगा जब ये नष्ट हो जाएगी तब भी मैं आपको एक वीडियो ज़रूर दिखाऊंगा किसान भाइयों, ये दिखाना मेरा कर्तव्य हर एक किसान को आगे बढ़ाने के लिए। मैं ये वीडियो उन तक पहुंचा रहा हूं ताकि वो भी अपने खेती करने में कामयाब रहें और सक्सेस रहें। मैं उनके लिए कहना चाहूँगा जय जवान जय किसान।